इन द सेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का वेटेज 30% का, 100 मार्क में से 30 मार्क ऑप्टिक्स पर से होते हैं। एज फार एस आई आई टी जेई इज कंसर्न, दिस चैप्टर हैव गॉट वेटेज एनी वेयर फ्रॉम 15% टू 25%। मिनिमम 15% हमेशा होता ही है, ऐसा कोई आईआईटी जेई का पेपर नहीं हो सकता जिसमें 100 में से 15 मार्क का ऑप्टिक्स नहीं हो, और मैक्सिमम 25%। वैसे एक पेपर ऐसा तक देखा गया है जिसमें 35% ऑप्टिक्स था, बट दैट्स मतलब वंस अपॉन अ टाइम। जनरली एनी वेयर फ्रॉम 15 टू 25%, कभी 20%, कभी 22%, कभी 18% इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज होता है। किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेंगे, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वेटेज 15% से 25% के बीच में होता है। हायर साइड में इसलिए होता है क्योंकि यह 12th बोर्ड का टॉपिक है। जितने भी टॉपिक्स 12th बोर्ड में हैं, उन सभी टॉपिक के वेटेज आईआईटी जेई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से थोड़े ज्यादा हैं। इस वजह से यह टॉपिक मैं सबसे पहले करा रहा हूं। इस टॉपिक की एक और खास बात है, इट्स अ लिमिटेड टॉपिक। लिमिटेड टॉपिक से मेरा मतलब है द कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स इन्वॉल्व इन द टॉपिक आर लिमिटेड। जैसे यदि हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में हम मैकेनिक्स को ही ले लें, तो मैकेनिक्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड से मतलब है कितना भी कर लो कभी खत्म नहीं होता, जितना करते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा, जितना करो उतना कम है। ऐसा इस ऑप्टिक्स के साथ में नहीं है। एक लिमिटेड टॉपिक है मतलब कंसेप्ट और फंडामेंटल्स की एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड प्रॉब्लम्स नहीं बन पाते। और जितना मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, जितने कंसेप्ट मैं आपको क्लास में बता रहा हूं, उस पर बेस्ड जितने आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, जितने पैकेज दे रहा हूं, यदि 100% कंप्लीट कर लिया जाए, देन इट्स अ गारंटी जेई में किसी भी तरह का कैसा भी आने वाला सवाल आप करोगे। ऐसा हो नहीं सकता मेरे पढ़ाने के बाद और जितना असाइनमेंट मैं दे रहा हूं उतना सारा कर लेने के बाद में जेई में कोई प्रॉब्लम आए और वो आप नहीं कर पाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन लास्ट डे, यदि आप सारी सारी क्लासेस अटेंड करते हो, रेगुलरली जितने मैं असाइनमेंट देता हूं उनको अप टू डेट तरीके से करते जाते हो, जितने प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत अच्छा, जितने नहीं आते हैं उनको क्लास में डिस्कस कर लेते हो, सारे सवाल पूछ लेते हो, सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद 100 में से यह 20 मार्क तो आपके निश्चित हो ही जाते हैं, फिक्स है जो आपको आना है, बशर्ते आप किसी तरह के सिली मिस्टेक्स नहीं करो। इसीलिए सबसे पहले मैं ऑप्टिक्स चालू करता हूं, हाई वेटेज एंड अ सॉर्ट ऑफ गारंटी। कैलकुलेशंस भी इस टॉपिक में लिमिटेड होते हैं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होते, टॉपिक समझना भी आसान है। हाँ, आपको क्लास रेगुलरली अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी, एक बात मान के चलो आपने एक भी क्लास बीच में मिस करी, आपकी कंटिन्यूटी, आपका लिंक ब्रेक हो जाएगा और आप आगे की 4 क्लास तक नहीं समझ पाओगे। जरूरी है बिल्कुल कंटिन्यूअसली रेगुलरली इन क्लासेस को अटेंड करना। देखिए, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट एनर्जी, व्हाट डू सन रेडिएट, व्हाट प्रोपोगेट फ्रॉम सन टू अर्थ, व्हाट डू वी रिसीव, व्हाई डू वी फील हॉट। हम जब धूप में खड़े हो जाते हैं तो क्यों हमें गर्मी का एहसास होता है? सन एग्जैक्टली क्या चीज रेडिएट कर रहा है, क्या चीज सन से लेकर अर्थ तक प्रोपोगेट कर रही है? इट हैड ऑलवेज रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। कई सारे थ्योरी
इस बात को समझाने के लिए आई कि आखिर ये जो लाइट एनर्जी है इसका एग्जैक्ट नेचर क्या है। ढेर सारी थ्योरी में दो थ्योरी सबसे बेहतर थी, दो थ्योरी को मैक्सिमम रिकॉग्निशन मिला, और इनफैक्ट सिर्फ इन्हीं दो थ्योरी को रिकॉग्निशन मिल पाया, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजन्स वेव थ्योरी। न्यूटन ने कहा सन रेडिएट कार्पुसल्स, पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पुसल्स, कार्पुसल्स प्रोपोगेट फ्रॉम सन टू अर्थ, वी यूज टू रिसीव कार्पुसल्स, दिस कार्पुसल्स आर एनर्जी कैरियर। न्यूटन ने अपनी कार्पस्कुलर थ्योरी में अपने कार्पुसल्स को, अपनी कार्पस्कुलर थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करा, उनका नेचर, उनका बिहेवियर डिटेल में एक्सप्लेन करा। इनफैक्ट न्यूटन ने एक पतली सी बुक लिखी थी, 32 पेज की बुक थी, उसका टाइटल, उस बुक का टाइटल उसने दिया था ऑप्टिक्स, और उसी बुक के टाइटल पर आज भी दिस फील्ड ऑफ फिजिक्स, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वी कॉल इट ऑप्टिक्स, न्यूटन के उसी बुक के टाइटल पर। न्यूटन ने क्यों वो टाइटल दिया, दैट इज हिज बॉदरेशन, मुझको भी नहीं पता कि क्यों उसका नाम ऑप्टिक्स ही दिया, लेकिन चूंकि उस बुक का नाम ऑप्टिक्स दिया इसलिए आज भी हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को आज भी हम ऑप्टिक्स ही कहते हैं। न्यूटन ने कहा कि उसके कार्पुसल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, इसी वजह से लाइट का अलग अलग कलर होता है। कार्पुसल्स बड़े होते हैं तो एनर्जी ज्यादा, छोटे होते हैं तो एनर्जी कम। यह कार्पुसल्स इलास्टिक कोलिजन कर सकते हैं। न्यूटन ने उस समय लाइट के जितने भी फिनोमेना पता थे उन सभी फिनोमेना को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। लाइट के बारे में उस समय चार बातें पता थी, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, मतलब कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मिरर से टकराने पर, पानी से टकराने पर लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है जिस वजह से हम अपनी इमेज देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई लाइट रे दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर सकती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में भी इस चैप्टर में बताऊंगा। यह चारों फिनोमेना जो उस समय पता थे, बात 1794 की कर रहा हूं मैं, यह चारों फिनोमेना जो उस समय पता थे वह न्यूटन ने अपनी कार्पस्कुलर थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन करे। साइमल्टेनियसली न्यूटन का ही कंटेम्प्रेरी, उसी का कोलीग हाइजन ने भी एक अल्टरनेटिव कंसेप्ट, अल्टरनेटिव सजेशन दिया। उसने कहा हो ना हो लाइट रे वेव नेचर की हो सकती है, सन हो सकता है वेव्स एमिट कर रहा हो, हो सकता है वेव्स सन से अर्थ तक प्रोपोगेट कर रही हो, हो सकता है हम वेव्स रिसीव कर रहे हो, मे बी द वेव्स आर एनर्जी कैरियर, वेव का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी, वेव की अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से वेव का लाइट का अलग अलग कलर। हाइजन ने भी उस समय लाइट के जितने फिनोमेना पता थे उन सभी फिनोमेना को अपनी वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया था। इनमें से एक थ्योरी एक्सेप्ट हुई, एक थ्योरी रिजेक्ट हुई, मुझको अभी कौन सी थ्योरी एक्सेप्ट हुई कौन सी थ्योरी रिजेक्ट हुई इस बात से मतलब नहीं है। हाइजन ने भी कहा था
चूंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है इसलिए लाइट एनर्जी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती हुई दिखती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे ऑब्जर्व होता है। अब इससे ज्यादा डिटेल में न्यूटन्स थ्योरी और हाइजेंस थ्योरी में इस समय मैं नहीं जाना चाहता। मैं इन दोनों ही थ्योरी का एक कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूं, एंड दैट इज बोथ ऑफ देम हैड कंक्लूडेड, बोथ ऑफ देम हैड ऑब्जर्व्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है एंड विथ एनी ऑब्स्टेकल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने पर देयर इज अ शैडो। विथ दिस कंक्लूजन वी कैन ऑलवेज से दैट लाइट एनर्जी प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ रे, लाइट एनर्जी रे के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। नाउ हाउ डू यू डिफाइन रे? एस रे इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड विच कुड बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी ऑन अनदर एंड। एनी स्ट्रेट लाइन जो कि एक एंड पर बिल्कुल फिक्स है और दूसरे एंड पर इंफिनिटी तक प्रोपोगेट की जा सकती हो, सच अ लाइन इज सेड टू बी अ रे। हम लाइट एनर्जी को भी एक रे के फॉर्म में देख सकते हैं। हम यह कहेंगे कि यह जो फिक्स पॉइंट है वह लाइट एनर्जी का सोर्स होगा और लाइट एनर्जी सोर्स से चलते हुए इंफिनिटी तक कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन में जा सकती है। हेंस वी कॉल इट रे ऑप्टिक्स। इसीलिए इस चैप्टर को मैं रे ऑप्टिक्स कह रहा हूं। पूरे चैप्टर में हम लाइट एनर्जी को एक रे के रूप में, एक रे के फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ, लाइट एनर्जी को एक रे के फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। एक और बात, यह जो हमारी लाइट रे है इट वुड ऑबे ऑल द लॉस ऑफ ज्योमेट्री, ऑल द थियोरम्स ऑफ ज्योमेट्री दैट वी हैड स्टडीड ड्यूरिंग अवर 7th, 8th, 9th and 10th स्टैंडर्ड, जो आपने 7th, 8th, 9th, 10th में जो ज्योमेट्री की ढेर सारी थियोरम पढ़ रखी है, वह सभी थियोरम हमारी यह लाइट रे ऑबे करेगी। यदि आपको वह थियोरम सारी दिमाग में अच्छी तरह से बैठी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, रे ऑप्टिक समझने में बड़ी आसानी होगी। और यदि नहीं बैठी हुई है तो बैठ जाएंगे। मैं जब जब थ्योरम बताऊंगा, जब जब रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री की थ्योरम को लगाऊंगा, तब तब उनको रिकॉल करना, क्योंकि ज्योमेट्री की सारी थ्योरम इधर फॉलो हो रही है। हेंस वी ऑल्सो कॉल इट ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इस चैप्टर को हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी टाइटल देंगे, क्योंकि हर जगह पर हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, ज्योमेट्री के थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हमें लाइट रे के साथ होने वाले कई सारे फिनोमेना इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वी विल स्टडी फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन भी कई तरह से हो सकता है। इट मे बी थ्रो प्लेन मिरर, इट मे बी थ्रो कर्व्ड मिरर। वी विल स्टडी फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। हम डिस्पर्शन स्टडी करेंगे, हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। हम इस तरह के कई फिनोमेना इधर स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। आई विल स्टार्ट विथ द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, लाइट रे
किसी सरफेस पर से टकराती है और वह रिफ्लेक्ट होती है। यह जो सरफेस है जिससे लाइट रे टकरा रही है, किसी भी तरह का हो सकता है, इट मे बी प्लेन और कर्व्ड। कर्व्ड सरफेस समझने से पहले मैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर समझाऊंगा। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, देखिए, दिस इज एनी थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस। थिन मतलब पतला, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इस तरह का कोई थिन ट्रांसपेरेंट सरफेस है। इस थिन ट्रांसपेरेंट प्लेन सरफेस है, इसे एक तरफ से पेंट कर दिया जाए, इट्स पेंटेड ऑन वन साइड। नाउ सच अ सिंपल डिवाइस इज सेड टू बी द प्लेन मिरर। इसी सिंपल डिवाइस को हम प्लेन मिरर कहते हैं। नाउ any light ray that hits the plane mirror at any point is said to be the incidence ray. कोई सी भी light ray यदि इस plane mirror को hit करती है तो इस light ray को हम incidence ray कहते हैं। This is the point at which light ray hits the plane mirror. This point is said to be the point of incidence. Point of incidence वह point है जहां पर light ray hit करती है। At this point of incidence, we can always draw an imaginary line perpendicular to plane mirror. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एंड दिस इमेजिनरी लाइन इज सेड टू बी द नॉर्मल। नॉर्मल, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। After getting incidented, the light ray returns back in the same medium. Mirror पर incident होने के बाद, mirror पर hit करने के बाद, यह light ray उसी medium में लौट जाती है। This phenomena of returning back of the light ray in the same medium after hitting a surface, this phenomena is said to be the phenomena of reflection. इसी phenomena को हम phenomena of reflection कहते हैं, and this is said to be the reflected ray. The angle between incidence ray and normal is said to be the angle of incidence. Incidence ray और normal के बीच के angle को angle of incidence कहा जाता है। The angle between angle of incidence and normal is said to be the angle of incidence. The angle between reflected ray and normal is said to be the angle of reflection. कुछ डेफिनेशन दी मैंने, इंसिडेंस रे नॉर्मल पहले डिफाइन कर दिया मैंने, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, और
इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन वी यूज टू से एसोसिएटेड विथ दिस फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव गॉट टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। Associated with this phenomena of reflection, we have got two laws of reflection. The first law is incidence ray, reflected ray, and normal lie on same plane. Incidence ray, reflected ray, and normal, they lie on same plane. अब देखिए तीन लाइनें, जरा सोचिए, दो लाइन यदि किसी एक पॉइंट से पास हो तो वहां हमेशा एक प्लेन बनाती है। राइट नाउ इट्स द प्लेन ऑफ बोर्ड। दो लाइन यदि किसी एक पॉइंट से पर इंटरसेक्ट हो जाए तो यह दोनों लाइन मिलकर हमेशा एक प्लेन बनाएंगी। मैं कहता हूं तीसरी लाइन भी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि वह तीसरी लाइन भी उसी प्लेन पर हो। इन दैट केस वह तीसरी लाइन कैसी भी हो सकती है, इस तरह से इसी पॉइंट से पास हो रही है लेकिन वह कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। और वह तो एक स्पेशल केस ही होगा कि जब तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो और उसी प्लेन पर भी आ जाए। वह तो एक स्पेशल केस ही है कि तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है और साथ में एक ही प्लेन पर ही है। और वही स्पेशल केस फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है कि यह तीन लाइनें हैं इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एक ही पॉइंट से पास हो रही है, न केवल एक पॉइंट से पास हो रही है बल्कि यह एक ही प्लेन पर भी है। इट मीन्स the phenomena of reflection, it's a two-dimensional phenomena, it's a planar phenomena, means the phenomena of reflection can be drawn on the board, phenomena of reflection can be represented on plain paper. मिरर कैसा भी हो लेकिन रिफ्लेक्शन फिनोमेना को बोर्ड पर ड्रॉ करा जा सकता है, उसको प्लेन पेपर पर, कॉपी पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है क्योंकि यह टू डायमेंशनल फिनोमेना है, क्योंकि यह तीनों लाइन एक ही प्लेन पर लाए कर रही। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. यह angle of incidence और angle of reflection बराबर होते हैं। Angle between incidence ray and normal and angle between reflected ray and normal, they are always equal. यह दोनों angle हमेशा equal होते हैं। This is the second law of reflection. एक और बात, phenomena of reflection also obeys the law of reciprocity. Now, what do you mean by the law of reciprocity? It means that if this is incidence ray and this is reflected ray, yadi yah incidence ray hai aur yah reflected ray hai, इसके बजाय यदि इसे इंसिडेंस रे बना दिया गया होता तो पहले वाली रे रिफ्लेक्टेड रे हो जाती। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। इफ दिस रे वन इज इंसिडेंस रे एंड रे टू इज रिफ्लेक्टेड रे, इंस्टेड यदि रे टू इंसिडेंस रे होती तो रे वन इन दैट केस रिफ्लेक्टेड रे हो जाती। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी तरह से हो हमेशा लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी फॉलो करता है। देखिए
यहां कोई प्लेन मिरर है, दिस इज एनी प्लेन मिरर है, एंड दिस एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। कोई प्लेन मिरर है और उसके सामने यह कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, बड़े से ऑब्जेक्ट में किसी भी एक पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। जैसे यह कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में इस पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने मिरर के सामने इस तरह का कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। नाउ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट एमिट्स इनफाइनाइट रेस इन ऑल द डायरेक्शन। यह पॉइंट ऑब्जेक्ट चारों तरफ इनफाइनाइट रेस एमिट करता है। And observe that all such rays emitted by this point object are divergent in nature. What do you mean by divergent nature? Divergent nature से मेरा मतलब है जैसे जैसे यह रेस आगे बढ़ती हैं एक दूसरे से दूर जाती है, जैसे जैसे यह रेस आगे बढ़ती हैं एक दूसरे से दूर जाती है। रेस आगे बढ़ते जाए और एक दूसरे से दूर जाती जाए तो ऐसी रेस को डाइवर्जेंट रेस कहते हैं। ऑल द रेस एमिटेड बाय दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जेंट इन नेचर एंड सच अ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ रियल ऑब्जेक्ट। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हमेशा रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट डाइवर्जेंट रेस एमिट कर रहा हो मतलब वह रियल ऑब्जेक्ट है, या फिर यदि कहीं पर रियल ऑब्जेक्ट है मतलब वह ऑब्जेक्ट डाइवर्जेंट रेस एमिट करता है। रियल ऑब्जेक्ट ऑलवेज एमिट डाइवर्जेंट रेस, इफ देयर आर डाइवर्जेंट रेस दैट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। इनफाइनाइट रेस इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से चारों तरफ डाइवर्ज होती है। इनफाइनाइट रेस इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से चारों तरफ डाइवर्ज होती है और इन इनफाइनाइट रेस में से अ फ्रैक्शन ऑफ रेस वुड बी इंसिडेंटेड ऑन द मिरर। ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट रेस एमिट करता है उन इनफाइनाइट रेस में से एक फ्रैक्शन मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है। ऑब्जेक्ट के लिए भले ही एक वह छोटा सा फ्रैक्शन हो लेकिन फिर भी मिरर पर इनफाइनाइट रेस ऑब्जेक्ट से चल के इंसिडेंट हो रही है। इनफाइनाइट रेस ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होके मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। इनफाइनाइट रेस मिरर पर इंसिडेंट होने वाली रेस भी डाइवर्जेंट नेचर की है। और हमेशा ध्यान रखें जब भी कहीं डाइवर्जेंट रेस इंसिडेंट हो रही है इसका मतलब वहां पर एक रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट ही डाइवर्जेंट रेस एमिट करता है। डाइवर्जेंट रेस इंसिडेंट होना मतलब रियल ऑब्जेक्ट होना। अब मैं कहता हूं इनफाइनाइट रेस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, यह सभी रेस मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी। एक एक रे की रिफ्लेक्टेड रे बनाई जा सकती है एंड ऑल दोस रिफ्लेक्टेड रे वुड ऑलवेज ओबे द टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेस हैं वह इन दोनों ही लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगी। यह रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यह इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यह इस तरह से
इस तरीके से यहां सारी रेस रिफ्लेक्ट होती जाएंगी और एक एक लाइट रे के रिफ्लेक्शन के दौरान हमेशा यह इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड इन नॉर्मल सेम प्लेन में आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। यदि कोई ऑब्जर्वर मिरर के सामने इधर से ऑब्जर्व करेगा तो इस ऑब्जर्वर को यह सभी रेस मिरर के पीछे कहीं इधर से आती हुई दिखाई देंगी। यह ऑब्जर्वर जो मिरर के सामने ऐसे आके ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वर को यह सभी रेस मिरर के पीछे इधर से कहीं आती हुई दिखाई देंगी। इस ऑब्जर्वर को इस पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ही कोई चीज कोई परछाई मिरर के पीछे इधर कहीं दिखाई देगी। यह जो ऑब्जर्वर को मिरर के पीछे पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ जैसा ही कुछ जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इमेज। एक्चुअली वहां कुछ है नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है। चूंकि वहां कुछ है नहीं सिर्फ दिखाई दे रहा है, इस तरह की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इस तरह की इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखें, मेक इट अ नोट, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ ऑल रियल ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर हमेशा सभी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्चुअल इमेज? पहली बात, वर्चुअल इमेज कुछ होती नहीं है या सिर्फ दिखाई देती है। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज कैन ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द ऑब्जर्वर अलाइन हिमसेल्फ विद द रिफ्लेक्टेड रेस। वर्चुअल इमेज सिर्फ तभी ऑब्जर्व की जा सकती है जब ऑब्जर्वर अपने आप को रिफ्लेक्टेड रेस के साथ अलाइन कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन, यदि यह बोर्ड एक प्लेन मिरर होता और मैं अपने आप को इस प्लेन मिरर के द्वारा देखना चाहूं और मैं अपने आप को देखने के लिए इधर कहीं कॉर्नर में खड़ा हो जाऊं, इस तरह से कहीं खड़ा हो जाऊं, क्या मैं अपनी इमेज इसके थ्रू देख सकूंगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे, नाउ आई एम एन ऑब्जेक्ट, मुझसे रेस डाइवर्ज होके मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। मान लीजिए यह कोई मिरर है, दिस इज अ मिरर, लेट अस से, मुझसे रेस डाइवर्ज होके इस तरह से मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से इंसिडेंट होने के बाद वह इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इंसिडेंस रेस ऐसी है और रिफ्लेक्टेड रेस ऐसी है। मैं उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ अलाइंड नहीं हूं, मैं अपनी इमेज इस मिरर के द्वारा नहीं देख सकता। यदि मुझे अपनी इमेज देखनी है तो जरूरी है इस मिरर के ठीक सामने इस तरह से आने की। जब मैं मिरर के सामने इस तरह से आऊंगा, नाउ आई बीइंग एन ऑब्जेक्ट, मुझसे रेस इस तरह से डाइवर्ज होके मिरर पर इंसिडेंट होंगी, मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, बिल्कुल ठीक पीछे इस तरह से आएंगी। और अब मैं एक ऑब्जर्वर हूं
और मैं उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में अलाइंड हूं, और चूंकि मैं उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में अलाइंड हूं इसलिए मुझे अपनी वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे कहीं दिखाई देगी। यदि मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट से रेस ऐसे जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगी, और मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में वहां कहीं पीछे देख सकूंगा। यदि मैं इस जगह पर आ जाता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि इसकी रेस ऐसे जाएंगी, ऐसे जाके इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, अब मैं अलाइन नहीं हूं। अब इधर आने के बाद तो इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से इसकी रेस ऐसे आएंगी और मैं इसकी इमेज देख सकूंगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि वर्चुअल इमेज यदि आपको ऑब्जर्व करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट से रेस डाइवर्ज होके मिरर पर इंसिडेंट हो, वह रेस रिफ्लेक्ट हो, और उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में आपको अपने आप को अलाइन करना होगा। यदि आप उन रिफ्लेक्टेड रेस के साथ में अलाइंड नहीं हो तो उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं देख सकते। वर्चुअल इमेज कैन नेवर बी टेकन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता। और प्लेन मिरर के द्वारा किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा वर्चुअल ही होती है, और यह वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है। अब एक और स्थिति देखिए, यह कोई प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर यह कोई रेस इंसिडेंट हो रही है। मैं कहता हूं दिस आर द रेस इंसिडेंटेड और एमिटेड बाय सेम सिंगल पॉइंट सोर्स एन इंसिडेंटेड ऑन द मिरर लाइक दिस। यह दोनों रेस दे आर एमिटेड बाय सेम सिंगल पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से द्वारा, एक पॉइंट सोर्स के द्वारा एमिट होने के बाद, एक पॉइंट सोर्स के द्वारा डाइवर्ज होने के बाद यह दोनों रेस मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो गई। पहला सवाल उठता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या एक पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज होने के बाद दो रेस मिरर पर इस तरह से इंसिडेंट हो सकती है? हां, ऐसा हो सकता है। मैं ऑप्टिक्स में हल्का सा आगे जाके आपको बताता हूं, वहां अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल आइडिया है। You know about lens? इस तरह की लेंस आपने 9th और 10th में देख रखी है। इस लेंस के सामने यह पॉइंट सोर्स रख दिया जाए, इस पॉइंट सोर्स से यह रेस, दो रेस डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जेंट रेस आर एमिटेड बाय द पॉइंट सोर्स एस, डाइवर्जेंट रेस आर इंसिडेंटेड ऑन द लेंस। इसलिए इस सोर्स एस को रियल ऑब्जेक्ट कहा जाना चाहिए। यह दोनों रेस लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद, लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से कन्वर्ज होके किसी एक पॉइंट पर मिलती है,
और चूंकि यह दोनों रेस कॉन्वर्ज हो गई, कॉन्वर्ज होके इस एक पॉइंट पर मिल गई, हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर एक इमेज बन जाएगी और उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। मैं अभी रियल इमेज के बारे में और भी डिटेल में समझाता हूं। लेंस के द्वारा यह डाइवर्जेंट रेस रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से कॉन्वर्ज हो गई, लाइट एनर्जी इस जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गई, लाइट एनर्जी इस जगह पर कॉन्वर्ज हो गई और इस जगह पर हमें एक इमेज मिल जाएगी और इस इमेज को रियल इमेज कहेंगे। मैं कहता हूं इन दोनों रेस के मिलने से पहले, इस रियल इमेज के बनने से पहले हमने इधर एक मिरर रख दिया। इस रियल इमेज के बनने से पहले हमने इधर एक मिरर रख दिया। अब मैं कहता हूं दिस टू रेस आर एमिटेड बाय सेम सिंगल पॉइंट सोर्स इंसिडेंटेड ऑन द मिरर लाइक दिस। यह रेस इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेस है, लेकिन लेंस की यह जो रिफ्रैक्टेड रेस है यह इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेस है। मिरर के लिए यह जो इंसिडेंस रेस है यह कन्वर्जेंट नेचर की है। कन्वर्जेंट नेचर की यह रेस, कन्वर्जेंट नेचर की यह इंसिडेंस रेस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। द रेस आर एमिटेड बाय सेम सिंगल पॉइंट सोर्स इंसिडेंटेड ऑन द मिरर लाइक दिस। किसी भी इंसिडेंट रेस के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। इस सोर्स एस को तो ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, सोर्स एस तो इस लेंस का ऑब्जेक्ट था। सोर्स एस से निकलने वाली रेस तो लेंस के लिए इंसिडेंस रेस थी। अब इस लेंस की जो रिफ्रैक्टेड रेस है, जो इस मिरर पर इंसिडेंस रेस है, इन इंसिडेंस रेस का ऑब्जेक्ट किसे कहा जाए? हम कहते हैं इन कन्वर्जेंट रेस को आगे मिलाए, बढ़ाइए, आगे बढ़ा के इस पॉइंट पर देखिए। मैं कहता हूं यह वह पॉइंट है जहां पर इमेज बन गई होती यदि मिरर नहीं होता। यदि यह मिरर नहीं होता तो यह रेस आगे बढ़ते हुए इस पॉइंट पर मिल गई होती और इस पॉइंट पर एक रियल इमेज बन गई होती, जो कि नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि मिरर था। ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को कह दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट, एंड इट्स सेड टू बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मिरर पर किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होने के बाद दो रेस कन्वर्जेंट नेचर के भांति, कन्वर्जेंट नेचर के माफिक मिरर पर यदि इंसिडेंट हो जाए, देन सच ऑब्जेक्ट, सच इंसिडेंस रेस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वंस अगेन, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्चुअली कुछ होता नहीं है, इट्स सिंपली अ कंसेप्ट। किसी एक पॉइंट से दोनों रेस आ रही है, किसी कन्वर्जिंग सिस्टम के द्वारा कन्वर्ज हुई और कन्वर्ज होके कन्वर्जेंट नेचर की तरह से मिरर पर इंसिडेंट हो गई। यह रेस और भी आगे बढ़ के पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ पर, पॉइंट ओ पर कन्वर्ज होके रियल इमेज बना लेती यदि मिरर नहीं होता, लेकिन मिरर होने की वजह से वहां पर नहीं मिल पाई, रियल इमेज नहीं बन पाई। तो जो रियल इमेज नहीं बन पाई उसी जगह पर हम एक ऑब्जेक्ट कह देते हैं और हम कह देते हैं कि वी हैव गॉट अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट।
यह रेस, दोनों रेस रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन के दौरान लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, और यह दोनों रेस इस तरह से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर, दोनों रेस मिल जाएंगी इस पॉइंट पर, एक इमेज बन जाएगी। और यह जो इमेज बनी है, चूंकि लाइट रेस रियली कन्वर्ज हुई है, चूंकि इस जगह पर लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हुई है, दिस इमेज इज सेड टू बी द रियल इमेज। एंड मेक अ नोट, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज ऑफ ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज ही बनाता है। अब रियल इमेज की खास बात, रियल इमेज इज द रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ लाइट एनर्जी। रियल इमेज लाइट एनर्जी का रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसी होता है। इस पॉइंट पर सचमुच में लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है। रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। इस जगह पर एक स्क्रीन रखी जा सकती है और उस स्क्रीन पर रियल इमेज को ऑब्टेन करा जा सकता है, उस स्क्रीन पर रियल इमेज को बनाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल इमेज कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम एनी वेयर। वी नेवर नीड, ऑब्जर्वर नेवर नीड टू अलाइन हिमसेल्फ विद द रिफ्लेक्टेड रेस। रिफ्लेक्टेड रेस के साथ अलाइनमेंट की कोई जरूरत नहीं है। रियल इमेज बिना किसी अलाइनमेंट के ऑब्जर्व की जा सकती है। इस समय आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इस समय जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जो कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनफैक्ट दैट इज अ रियल इमेज। उस रियल इमेज को स्क्रीन पर ले लिया गया है, उस रियल इमेज को स्क्रीन पर लेकर ही आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। उसे ऑब्जर्व करने के लिए आप कभी अलाइन नहीं कर रहे अपने आप को, ऐसे ऐसे अगल बगल नहीं देख रहे हो। आप चाहे आगे बैठे हो, चाहे दाएं बैठे हो, चाहे बैठे हो बाएं बैठे हो, चाहे पीछे बैठे हो, आपको हर जगह से वह इमेज यूनिफॉर्मली एक जैसी, एक ही तरह से दिखाई देती है। इट्स यूनिफॉर्मली ऑब्जर्वेबल फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी देखो, हॉल के बाहर से मत देखो, बस अंदर बैठकर देखोगे आपको दिखेगी। दैट इज अ रियल इमेज। वह एक रियल इमेज, जैसा मैंने बताया, वर्चुअल इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए मिरर के साथ में आपको अलाइन करना पड़ता है। आप देखिए, कहीं मिरर में आप देखेंगे एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ में आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया ही दिखाई देगा, सारा एरिया नहीं दिखाई देगा। आपको मिरर को इस तरह से कुछ अलाइन करना होगा अलग अलग एरिया देखने के लिए, यदि मिरर के थ्रू आप देखना चाहते हो। लेकिन यह जो रियल इमेज आप देख रहे हो, यह कहीं से भी देखी जा सकती है। इट्स रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ एनर्जी। आप स्क्रीन के पास में आके खड़े होकर देखो, आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि लाइट एनर्जी सचमुच में वहां पर कन्वर्ज हो रही है। बचपन में कभी आप वह खेल खेले होंगे, वो बिलोरी कांच ले लेते हैं, सन के सामने खड़े हो जाते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, और बिलोरी कांच को फोकस करते हैं, माचिस की तीली रख देते हैं, और उसका जो टिप है, उस टिप पर हम सन की जो इमेज है उसको फोकस करते हैं। इनफैक्ट हम पूरे कांच पर, पूरे बिलोरी कांच पर
इंसिडेंट होने वाली जो सन की लाइट एनर्जी है, उस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट, उस एनर्जी को कन्वर्ज करवाते हैं उस माचिस की तीली पर, टिप पर, सन की इमेज बनाते हैं उस पर, और इतनी ज्यादा एनर्जी एक छोटे से एरिया पर इंसिडेंट होने की वजह से एकदम से कुछ समय के बाद वह जल उठती है, क्योंकि उस जगह पर लाइट एनर्जी कन्वर्ज हो रही है। इट्स अ प्रैक्टिकल फिनोमेना। उस जगह से आप तीली हटाइए, अपनी उंगली रख दीजिए, 10-15 सेकेंड के अंदर आपकी उंगली जलने लगेगी, आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा आपको। इट्स बिकॉज कि सन की रियल इमेज वहां पर बनाई जा रही है, सन की लाइट एनर्जी को उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट करा जा रहा है, कॉन्वर्ज करवाया जा रहा है, एंड दैट इज अ रियल इमेज। वी कैन ऑलवेज ज्योमेट्रिकली प्रूव दैट। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि डी है तो वर्चुअल इमेज की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ही होती है। प्लेन मिरर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यदि डी है तो उसकी रियल इमेज की डिस्टेंस भी डी होती है। इफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर इज डी, देन इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर इज ऑल्सो डी। ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी यदि डी है तो इमेज की भी मिरर से दूरी डी ही होगी, चाहे ऑब्जेक्ट रियल हो चाहे ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। रियल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो वर्चुअल इमेज समान दूरी पर होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो रियल इमेज समान दूरी पर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम होगी। मैंने अभी अभी आपको बताया प्लेन मिरर और द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबेस द लॉ ऑफ रेसिप्रोकिटी। कहने का मतलब है कि यदि यह ऑब्जेक्ट ओ है तो उसकी यह इमेज है, इसके बजाय यदि यह ऑब्जेक्ट हो जाता तो पहले जो ऑब्जेक्ट था वह इमेज बन जाएगी। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकिटी, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यह रियल इमेज, इसके बजाय यदि यह रियल ऑब्जेक्ट हो जाता तो यह वर्चुअल इमेज हो जाती। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकिटी, ऑलवेज ऑबेड बाय प्लेन मिरर, ऑलवेज ऑबेड ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ The next is the concept of image location. प्लेन मिरर के द्वारा इमेज लोकेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। यह कोई प्लेन मिरर है और यह कोई ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट से दो रेस ले ली जाएं, मिरर पर इंसिडेंट होने वाली दो रेस यदि ले ली जाएं, तो इन दो रेस के द्वारा इमेज इजिली लोकेट की जा सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। इन दोनों रेस की रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन कर ली जाए और इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए, जहां से यह दोनों रेस आती हुई दिखाई देंगी वहीं पर इमेज होना चाहिए। दो रेस ली जाए, दोनों रेस की रिफ्लेक्टेड रेस ले ली जाए, उन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए, जहां पर यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी वहीं पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनना चाहिए। ऑटोमेटिकली
यदि यह ऑब्जेक्ट की दूरी d है तो इमेज की भी दूरी d हो जाएगी। यह ऑब्जेक्ट की दूरी यदि d है तो इमेज की दूरी भी ऑटोमेटिकली d हो जाएगी। दूसरा तरीका, इधर तो हमने दो रेस ली है तब जाके इमेज लोकेट हो पाई है, इवन एक रे के द्वारा भी किसी की इमेज लोकेट की जा सकती है। यदि यह कोई मिरर है और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से यह एक रे ली गई जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, हमें पता होना चाहिए द लेंथ ऑफ द रो, द लेंथ ऑफ द रे, इस रे की लेंथ पता होनी चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से चल के इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक की इस लाइट रे की लेंथ पता होनी चाहिए। यदि यह रिफ्लेक्टेड रे है तो इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा जाए, और यह लेंथ एल है तो लेंथ एल ही इधर मेजर कर लिया जाए। हियर विल हैव द इमेज, इस पॉइंट पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की इमेज होगी। एक रे लेकर और उसकी रिफ्लेक्टेड रे लेकर इस तरह से हम इमेज लोकेट कर सकते हैं। यह लेंथ और यह लेंथ यदि बराबर हो जाए तो यह पॉइंट इमेज होगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल, दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी हैव गॉट अ मिरर प्लेस्ड लाइक दिस, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के पर इस तरह से कोई मिरर है 45 डिग्रीज पर। यदि ऑब्जेक्ट 50.0 पर है देन कैन यू टेल मी द इमेज कोऑर्डिनेट, इमेज कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 45 डिग्रीज पर इस तरह से कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है 50.0 पर एक्स एक्सिस के अलावा इस तरह से कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां होनी चाहिए, क्या उस इमेज का कोऑर्डिनेट आप मुझे अभी बता पाएंगे? हाँ